या इलाही बख्श दे सैयद को रोजे हश्र तो। बड़ा एंटिक सा सवाल आया है कि अंडा खाना वेज है या नॉन वेज, यानी अंडा वेज है या नॉन वेज है। सबसे पहले तो ये एक बात है कि खाने की जो दो कैटेगरी हैं, यानी वेज या सब्ज़ी कह लो या शाकाहारी, और नॉन वेज, जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है कि जो सब्ज़ी ना हो उसको नॉन वेज कहते हैं। मतलब आम ज़ुबान में इसको गोश्त आप कह सकते हैं नॉन वेज को। तो खाने की ये दो कैटेगरी होती है, एक तो होता है वेज यानी जो सब्जी या सब्जी के जिसके अंदर लक्षण पाए जाते हों, और दूसरा ये कि नॉन वेज यानी जिसमें सब्जी के लक्षण ना पाए जाते हों। खाने की कैटेगरी इन दो के अलावा भी बहुत सारी होती है, यानी वेज और नॉन वेज के अलावा भी आप देखें तो ड्राई फ्रूट भी है और फ्रूट भी हैं और दूसरी दूसरी किस्म की चीज़ें भी होती हैं। तो अंडे में मेरी ज़ाती राय तो यही है कि मुझे तो उसमें कोई सब्ज़ी जैसा भी गुण नहीं लगता कि उसको वेज बोलूँ, और उसमें कोई गोश्त जैसा मामला भी नहीं लगता कि नॉन वेज बोलूँ। अगर ये कि हर वो चीज़ जो वेज ना हो उसे नॉन वेज कह सकते हैं, तो दूसरी बहुत सारी चीज़ें नॉन वेज हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे मक्खन भी वो वेज नहीं है, देखा जाए तो सब्ज़ी नहीं है तो वो नॉन वेज हो गया। तो इस तरह अंडा भी वो वेज यानी सब्ज़ी जैसा, उसमें कोई गुड़ तो है ही नहीं और ना ही उसके अंदर कोई गोश्त जैसा मामला है अंडे के अंदर, तो इसलिए वो गोश्त भी नहीं है। और इस एतबार से अगर अंडे को नॉन वेज कहना है कि वो सब्ज़ी नहीं है इसलिए नॉन वेज है, यानी जो वेज ना हो वो नॉन वेज हो, तो हो सकता है कि अंडा नॉन वेज हो। अलबत्ता ये कि अंडा अंडा ही होता है, ना वो सब्ज़ी है ना वो गोश्त है, ना वो गोश्त के लक्षण वाली कोई चीज़ है ना ही वो सब्जियों के लक्षण वाली कोई चीज़ है, अंडा अंडा होता है। जिस तरह वेज और नॉन वेज की एक कैटेगरी है, वैसे अंडे की भी एक अलग उसको सीट देनी चाहिए कि अंडा अंडा ही होता है। जैसे दूसरी चीज़ों खाने पीने के अंदर है ड्राई फ्रूट होता है कि वो वेज नहीं होता, नॉन वेज नहीं होता, फ्रूट होते हैं। इसी तरीके से अंडा अंडा होता है, ना वो नॉन वेज होता ना वो वेज होता। अभी जो लोगों के लॉजिक होते हैं कि इससे, क्योंकि एक जो है अंडे का हो सकता है, मतलब एक बच्चे की पैदाइश उससे हो सकती है, और क्योंकि बच्चा नॉन वेज है इसलिए वो अंडा भी जो है वो हो जाएगा, जो है ना नॉन वेज हो जाएगा। तो इस एतबार से देखा जाए तो बारिश के पानी से भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े और जानदार पैदा हो सकते हैं। तो बारिश के पानी में भी लोग नहाते हैं तो वो भी नॉन वेज होना चाहिए, क्योंकि उससे भी एक जीव की जो है वो पैदाइश हो सकती है। और इस तरह तो बहुत सारी चीज़ों से जीव की यानी उसकी तब्दीली के बाद उसका दूसरा रूप जानदार का बनता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, तो उनको भी नॉन वेज का जो है वो टैग उस पर लगाना चाहिए। तो ये जो क्राइटेरिया है कि क्योंकि उससे बच्चे की पैदाइश होती है इसलिए वो नॉन वेज है, ये लोगों का अपनी अकल से घड़ा हुआ मामला है। कोई ऐसा इस पर शरीयत की मोहर नहीं है कि ये कोई ऑथेंटिक बात है कि जिससे बच्चे की पैदाइश हो उसको चीज़ को नॉन वेज बोलेंगे, लिहाजा अंडे से चूज़ा बनता है इसलिए अंडा नॉन वेज है। तो बारिश के पानी से भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, तो बारिश का पानी भी इस एतबार से तो नॉन वेज हो जाएगा। और बारिश के अलावा भी बहुत सी मिसालें ऐसी हो सकती हैं कि जिससे दूसरे जीव या उसकी पैदाइश होती है, तो वो मामला हो सकता है। तो इसलिए अंडा जो है वो अंडा ही होता है, जिसको खाना है उसको खाए, जिसको नहीं खाना उसको ना खाए। अंडे के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि वो वेज है या नॉन वेज, बाकी ये कि अंडा नॉन वेज नहीं है और मेरे हिसाब से तो वो वेज भी नहीं है। वेबसाइट पर एक नया फीचर ऐड किया है जिसका नाम है लर्न फास्ट। जी हाँ, लर्न फास्ट, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इस ऑप्शन के जरिए आप इल्मे दीन फास्ट वे में सीख सकते हैं। इस फीचर में ईमेल पर पूछे गए लोगों के सवाल जवाब को ऐड किया जाता है। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।